अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने SSLNT महिला कॉलेज के सामने मंगलवार को कॉलेज के प्राचार्य का पुतला फूंका, जिसमें कॉलेज प्राचार्य पर भ्रष्टाचार, हिटलर शाही और दामनकारी नीति का आरोप लगाते हुए छात्रों ने काफी आक्रोशित लहजे में कड़ी कार्रवाई की मांग विश्वविद्यालय प्रबंधन से की है। मौके पर उपस्थित छात्राओं ने बताया कि SSLNT कॉलेज की प्राचार्य इन दिनों छात्रों के साथ आमन वय रुख अख्तियार करते हुए कई छात्राओं को प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है, जबकि प्राचार्य पर पूर्व में सिंदरी कॉलेज में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। ऐसे में प्राचार्य कॉलेज के छात्राओं को प्रताड़ित करना बंद करे और नीति तथा नियम का अनुसरण करे। अगर समय के रहते प्राचार्य छात्राओं के प्रति अपना व्यवहार नहीं सुधार करती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। छात्राओं पर विभिन्न प्रकार की जागृति हो रही है, उनसे जो यहाँ का कॉलेज प्रशासन है वो हर वक्त जो छात्राओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मुख्य रूप से परेशानी ये है कि अभी कुछ दिन पहले कुछ समस्या को लेकर पनिशमेंट के तौर पर इन्हें नाक रगड़वाया गया है जमीन पर, और उसके बाद नाक रगड़वाया गया है जमीन पर। और अभी क्या है कि एक छात्रा जो है गरीब, बहुत गरीब घर से है, सब्जी बेचते हैं उनके माँ पिताजी, और उनका फोन जब्त कर लिया गया है। दो दिन बाद उस छात्रा की परीक्षा है, उसको उस फोन से पढ़ना है। उसके पेरेंट्स आकर के हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उसके बावजूद 500 रुपया जुर्माना वो नहीं दे सकते, उसके बावजूद उनसे जुर्माना के लिए जबरदस्ती किया जा रहा है और जुर्माना मांगा जा रहा है। जबकि ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ का नियम है। अपने मन से दो दिन में नियम बना देती है मैडम कि 500 रुपया जुर्माना लगेगा, कल से मोबाइल नहीं अलाउड है। आप तो पहले ऐसा नियम नहीं बना हुआ है, ऑफिशियली कोई ऐसा नियम नहीं है। ये मैम जो है ये सिंदरी कॉलेज से भ्रष्टाचारी रही हैं, यहाँ भी भ्रष्टाचार करने का कोई उपाय जो है वो नहीं छोड़ रही है। यहाँ पर भी भ्रष्टाचार का वो जिस तरह का जिस उपाय जितना उपाय हो सकता है वो कर रही है। छात्राओं को आवाज उठाने से रोकती हैं, विभिन्न प्रकार से जो जिस छात्रा रहेंगी उसकी HOD को बोल करके फिर उनका इंटरनल में नंबर कम करा देना, इस तरीके से पर्सनल दुश्मनी कर लेती हैं अगर कोई आवाज उठाता है। आप कॉलेज का कैंपस में घूम के देख सकते हैं, हर तरफ सिर्फ परेशानी है, कहीं आपको किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा। आप इससे पहले भी मैंने बोला था वो लाइन व्यवस्थित कराते हुए जो व्यवस्था में असलियत में ध्यान देना चाहिए उसमें कोई ध्यान नहीं देती है मैम। जो आपका एडमिट कार्ड लेने समय धक्का मुक्की, कोरोना काल में कोई सावधानी नहीं है, धक्का मुक्की हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर कोई बच्चा कुछ बदमाशी कर दिया तो उसको जमीन पर नाक रगड़वा दिए, ये कहाँ का इंसाफ है। उसके बाद ये कॉलेज में एक ही जगह एडमिट कार्ड होगा, कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर ठीक है इसी सेमेस्टर का एडमिट कार्ड देना है उसको उसके क्लास में दे दे, एक ही काउंटर पे बुला करके एक जगह एडमिट कार्ड धक्का मुक्की करा के उसे एडमिट कार्ड देंगी। और उसमें बच्चे में किसी को 70 आके गिर रहा है, कुछ हो रहा है, 3 बजे सुबह का 11 बजे आया हुआ छात्रा 3 बजे 4 बजे घर जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वैसे में वो फोन नहीं लाएगा, यूज नहीं करेगा, तो वो कहाँ जाएगा। आप तो कोई व्यवस्था भी नहीं दे रही है कि छात्राएं। और इसके बाद आप वॉशरूम और टॉयलेट पानी का व्यवस्था देखिए, ना पीने का पानी का सही व्यवस्था है कॉलेज में, ना वॉशरूम साफ है, ना वॉशरूम में डस्टबिन है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, इतना गंदगी रहता है वॉशरूम कॉलेज में। अभी तो कॉलेज बंद है, इसके पहले का चीजें बता रही हूँ मैं। और इसके अभी भी कॉलेज में जो छात्राएं आ रही एग्जाम देने, मैंने उनसे भी जानकारी ली, उन लोगों ने भी बोला कि अभी भी वॉशरूम का वही स्थिति है। इतना दिन कॉलेज बंद था, उसमें आप कॉलेज व्यवस्थित करा सकते थे, चीजों को सही करा सकते थे। और सरकार, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके पहले भी विद्यार्थी परिषद ने आवाज उठाया था, तब से इसी साहब से लेकर के हर कोई के जो इस मुद्दे को है दबाए जा रहा है। आखिर आप क्यों चाहते हैं, जब ये भ्रष्टाचारी थी, जब आप सिंदरी में ये भ्रष्टाचार मचा रही थी, तब आप महानगर के इतने बड़े कॉलेज में इनको कैसे, इनको यहाँ पर कर दिया गया ट्रांसफर। और अगर यहाँ ट्रांसफर किया गया तो फिर क्यों इस तरीके से जाति हो रही है छात्राओं के साथ, छात्राओं पे बार बार जाति की जा रही है। मैं इसे बंद कराना चाहती हूँ, छात्राओं की आवाज को दबाने का प्रयास बार बार इस कॉलेज की प्राचार्य कर रही है विभिन्न प्रकार की जातियों के द्वारा। और अगर कोई आवाज उठाता है तो उसका नंबर कम करा दिया जाता है, विभिन्न प्रकार का परेशानी देती है। क्या नाम है? मेरा नाम आयुषी गुप्ता हुआ, प्रदेश सहमंत्री विद्यार्थी परिषद।